सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और पाइए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि कैसे हम एक डेड मोबाइल बैटरी को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डेड बैटरी को आप रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरा आज ट्राईपोड आ गया है तो आज मैं आपको टेस्टिंग भी बता पाऊँगा, दोनों हाथ से टेस्टिंग करके भी दिखाऊँगा। पिछली वीडियो में क्या रहता था, कुछ फ्रेंड्स का एक क्वेश्चन भी था कि आप टेस्टिंग करके क्यों नहीं बताते हो, तो उसका रीज़न यही था कि मैं एक हाथ से वीडियो बनाता था और एक हाथ से फिर आपको समझाता था, तो इस वजह से फिर मैं टेस्टिंग नहीं कर पाया, आपको दिखा सकता था। तो मेरा अब ट्राईपोड आ गया है तो अब मैं आपको फुल टेस्टिंग के साथ बताया करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनमें फुल टेस्टिंग, हर बात की टेस्टिंग आपको दिखाया करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरीके से हम डेड बैटरी को हम रिपेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग होने पे तो हीट हो ज़्यादा होगा, अगर हाफ शॉर्टिंग है उसका हमें पता तो चल नहीं पाएगा, बट कहीं ना कहीं वो बैटरी कंजप्शन उसका बढ़ जाएगा, बैटरी एक तरह से मतलब लॉस होता रहेगा। एक जो इसकी रेटिंग वोल्टेज होती है बैटरी की 3.7 वोल्ट, अगर उससे वोल्टेज नीचे चली जाती है तो हमारा मोबाइल चार्ज होना भी बंद हो जाता है और ऑन ऑन भी नहीं होता उस कंडीशन में। हमें लगता है कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है बट ऐसा नहीं होता, हम नई न्यू बैटरी लेके आते हैं और जो ओरिजिनल बैटरी है उसे हम फेंक देते हैं, फिर हम डुप्लीकेट बैटरी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ओरिजिनल बैटरीज पड़ी हो जिसे आप सोचते हो कि वो ख़राब है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एक डेड बैटरी को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी आप उसके मतलब उसकी टेस्टिंग वगैरह कर पाओगे। यहाँ मैंने कुछ पार्ट्स लिए हुए हैं, ये एक पीसीबी है, ये भी एक बैटरी का ही है और एक लिथियम आयन बैटरी, तो इनके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमारी बैटरी वर्क करती है। जो हमारी बैटरी होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी हम इसे बोलते हैं, और इसकी जो रेटिंग वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है वो होती है 4.2 वोल्ट। अगर किसी वजह से वोल्टेज चली जाती है 3.4 तक भी ऑन हो जाता है, अगर वोल्टेज चली जाती है 3.0 या फिर 2.5, इतनी वोल्टेज अगर चली जाती है तो फिर हमारा मोबाइल ऑन होना बंद हो जाता है और चार्जिंग भी नहीं होता है, तो उस केस में फिर हमें बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज हमें चार्ज करनी पड़ती है। एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है आपका, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल चार्जर बोलते हैं, और एक मैं और भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना डीसी मशीन के भी या फिर बिना यूनिवर्सल चार्जर के भी आप एक डेड बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी यहाँ लगी हुई है, फिलहाल इसमें कोई मतलब कंट्रोलिंग सर्किट इसमें लगा हुआ है नहीं, ये ऐसे अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ इस तरीके से, अगर हम फिलहाल इसे डायरेक्ट वोल्टेज दे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान लीजिए, तो होगा क्या, ये 4.2 वोल्ट तक चार्ज होगी। चार्ज होने के बाद चार्जिंग तो इनपुट दे रहा है और वो देता रहेगा, उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बैटरी फुल या कुछ भी हो रहा है। तो अगर यहाँ इसमें कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ होगा, इस बीच कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ होगा तो ये बैटरी फूल जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी, केस ऐसा आएगा कि ये फट जाएगी। तो इस बीच हमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है जिसमें कुछ आईसीज लगी होती है, मॉसफेट लगे होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये करता क्या है, एक्चुअली जब भी आपकी बैटरी 4.2 वोल्ट तक फुल चार्ज हो जाती है तो उसके बाद जो है ये जो वोल्टेज इनपुट आ रहा है चार्जिंग से उसे बंद कर देता है, जिससे कि हमारी बैटरी सेफ रहती है और फूलती नहीं है और फटने का उसमें चांस ख़त्म हो जाता है। जो बैटरी फटती है तो उनके साथ ऐसा ही होता है, डुप्लीकेट बैटरीज में इस ये जो सर्किट बना हुआ है, जो पीसीबी है, इसका यूज़ नहीं किया जाता, तो इस वजह से वो फट जाती हैं। अब ये आपको मिलेगा कहाँ, अगर आप मैं इस बैटरी में आपको दिखाऊं, इसकी फ़िलहाल अगर मैं वोल्टेज आपको दिखाऊं, जीरो है एकदम, एक तरह से ये डेड ही पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं। इसकी मैं आपको वोल्टेज दिखाऊँ अगर, तो ये देखिए कोई वोल्टेज इसमें नहीं है फिलहाल, बिल्कुल जीरो वोल्ट है। अगर आप इसे खोल लेंगे यहाँ से, इसका ये कवर उतार के, और ये जो इसका प्लास्टिक ऊपर ये है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए जब आप इसे उतारेंगे तो इसके ऊपर आपको एक प्लास्टिक ये कैप दिखाई देगी,
उस प्लास्टिक कैप के नीचे ही हमारी ये जो पीसीबी प्लेट है ये रहती है एक कंट्रोलिंग सर्किट के तरह। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी वजह से हमारी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है, ये कई बार क्या होता है कि जो ये पीसीबी है तो इसमें भी कई वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, या तो फिर आप उसकी आईसीज वगैरह को टेस्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इस पूरे को भी स्किप किया जा सकता है। बट या फिर ये स्किप करने का मतलब क्या है कि इसे पूरे को यहाँ से हटा ही दिया जाए, डायरेक्ट इसे कर दिया जाए, बट उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी बैटरी फट भी सकती है। ऐसा आप तब करें अगर आपको बैटरी नहीं मिल पा रही है मार्केट से, या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन है कि आपको बैटरी नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो और आपको नहीं मिल पा रही हो तो इसे आप निकाल दें और डायरेक्ट कर दें, फिर तो उससे काम चल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उसे आपको ओवर चार्ज नहीं होने देना है, जब वो चार्ज हो जाएगी ऑलमोस्ट 70% तो आपको निकाल लेना है। तो ये तो रहा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया था कि एक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना डीसी मशीन के, जैसे इसमें फिलहाल कुछ भी वोल्टेज नहीं है, एक रेटिंग वोल्टेज तक इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी चार्जर पड़ा होगा, एक चार्जर ले, और कोई भी आपके पास चार्जर हो, अच्छा तो मैं कहता नहीं अच्छे के साथ आप ऐसा करें, कोई भी ख़राब सा चार्जर हो जिसे आप यूज़ ना करते हो, उसे आप बीच में से काट ले, जैसे मैंने इसमें इसे काट रखा है। करें क्या, अब आप इसे आप कनेक्ट कर दे अपने लाइट सोर्स से। मैं इसे कर देता हूँ कनेक्ट, ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हमें करना क्या है, इससे जो हमें आउटपुट इसका मिल रहा है, वैसे तो एक इसका आउटपुट होता है ये 5-6 वोल्ट के आसपास, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। आउटपुट जो है 6.4 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट है, और जो बैटरी है हमारी उसमें जो वोल्टेज है वो एकदम जीरो है। तो हमें करना क्या है, बस अगर आपके पास डीसी मशीन नहीं है, यूनिवर्सल चार्जर नहीं है, कोई भी चार्जिंग ले जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आप पॉजिटिव से रख दें, और जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव से, और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर देखते हैं इस वोल्टेज, इस बैटरी की वोल्टेज एक रेटिंग वोल्टेज को पार कर देती है या नहीं। तो अभी मैं 5 मिनट के लिए इसे रखता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं मैंने इस बैटरी को कनेक्ट कर रखा है उस चार्जर से, पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को, और अब देखते हैं इसकी वोल्टेज कहाँ तक पहुँची है। और ये देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ये रेटिंग वोल्टेज आ गई है। अगर फिलहाल मैं इसे यूज़ करूँगा किसी भी मोबाइल में तो ये मोबाइल ऑन हो जाएगा, बट ये शट डाउन बता के ऑफ हो जाएगा, और चार्जिंग तो ऑन हो जाएगा, मतलब चार्जिंग तो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी ऐसी बैटरीज पड़ी है जिन्हें आप सोच रहे हैं कि वो ख़राब है, तो ये प्रोसेस आप यूज़ करें और अपनी बैटरीज को सभी को आप ठीक रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आपको एक चार्जिंग लेना, आपके पास डीसी मशीन हो या ना हो, आपको बस एक चार्जिंग लेना है, उसमें ध्यान देना है उसके एक पॉजिटिव वायर होंगी उसमें एक नेगेटिव वायर होगी, पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव को नेगेटिव से कुछ टाइम के लिए, 5 या 10 मिनट, जब तक वो रेटिंग वोल्टेज तक नहीं आ जाती, उसके बाद छोड़ देना है। मोबाइल में आपको बैटरी डालनी है और फिर उसे चार्जिंग से ही आप चार्ज कर सकते हैं। अब अगर किसी वजह से इस तरीके से चार्ज नहीं हो रही है तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा बीच वाला, ये आप स्किप तभी करें, इस वाली जो ये पीसीबी है इसे स्किप आप तभी करें अगर आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल की बैटरी कहीं भी मिल नहीं पा रही है, तब आप इसे स्किप करें, वरना मैं इसे स्किप करने के लिए आपको कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसे मतलब ओवर चार्ज कर देंगे तो इसमें बैटरी का फटने का खतरा फिर बना रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा, इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।